हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं ये अमेजिंग फ्लावर बनाकर दिखाऊंगी, जो कोई भी इसे बना सकता है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर तोरल बना रहे हैं गेट के लिए तो उसमें भी लगा सकते हैं इस तरह बनाकर, या फिर आप इसका टैशल भी बना सकते हैं। तो आप इसे बहुत तरीक़ों से इन फ्लावरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ़ एक कंघे की मदद से आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान बनाना है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह का कंघा ले लें कोई भी। तो हमने इस तरह का कंघा लेने के बाद ये जो इसके दांत हैं इनको गिनना है। तो हमें 10 दांत गिनना है। 10 दांतों के गैप से यहाँ से निकालेंगे हम इस धागे को, ठीक है। तो इस तरह से गिनकर देखें, यहाँ से निकाल लें। तो इसमें इसी तरह से डालते जाना है इस तरीके से धागे को, देखें। तो बार बार इसी तरह डालेंगे तो हमने इसे 20 बार डालना है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें। तो इस तरीके से करते हुए हम इस धागे को 20 बार इसमें लपेट लेते हैं इसी तरह से कर करके, ठीक है। तो इतना इजी है इसे बनाना, जिसे नहीं भी आता होगा ना वो भी बना लेगा, कोई भी इसे बना लेगा। बड़ा ही अमेजिंग है ये फ्लावर बनाना और मज़ा भी बहुत आता है इसे बनाते हुए। तो इसी तरह से हम 20 बार इसको हम लपेट लेंगे। तो इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी डली हुई हैं, कढ़ाई की, बुनाई की, खाने की, और भी बहुत सी वीडियो डली हुई हैं। तो अलग अलग तरीके की भी वीडियो लाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। तो देखें, इस तरह से मैंने ये 20 बार लपेट लिया धागे को 10 दांतों के अंदर से, ठीक है। तो हम इस धागे को थोड़ा पास से कट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा धागा। तो दूसरे कलर का धागा हम, जो हमने 10 दांत अंदर रखे थे उनको आधा आधा करना है, 5 इधर करना है, 5 इधर, उसके बीच से हमें इस धागे को फिर से लपेटना है 20 बार, ये देखें इस तरह से। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, उसी तरह से सेम आप भी करें। अगर बना रहे हैं तो आपका भी फ्लावर एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम 20 बार इसे फिर से एक ही जगह से निकालते हुए धागे को लपेट लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ये मैंने लपेट लिया, धागे को थोड़ा बड़ा कट कर लिया है और सुई में पिरो लिया है। अब ये इसके दांतों के पास से हम निकाल कर 3 से 4 बार यहाँ पर इस तरीके से पक्का करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पास पास करके निकालेंगे दांतों के, और 3 से 4 बार इसी तरीके से हमें कर लेना है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमें 3 से 4 बार इसी तरीके से निकाल लेना है, ये देखें, ठीक है। तो हमें अभी धागे को कट नहीं करना है, पक्का नहीं करना है अच्छे से, पहले यहाँ से कट करेंगे हम। तो बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से हमने ये कट कर देना है। कोई भी कटर हो उससे आसानी से हो जाएगा। अगर इस तरह की कैंची नहीं है, कटर से आप कट कर सकते हैं, या फिर ये पतली सी कैंची लेकर इससे भी आप कट कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही आसानी से कट हो जाता है, ये देखें। तो कट करने के बाद इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें, निकाल लिया। निकालने के बाद हम इसका पक्का करेंगे अच्छे से, ठीक है, इसे खींच कर अच्छे से, और फिर इसको हम पक्का कर देते हैं।
देखिए दूसरी तरफ को हम सुई को निकाल कर और उस तरफ से हम इसको पक्का कर देते हैं। थोड़ा सा टाइट टाइट कर लें ताकि अच्छे से बंध जाए। बस एक फंदा लगाकर इसे हम पक्का कर देते हैं, धागे को कट कर देंगे। तो अब हम जो दूसरा कलर है वो वाला धागा डालेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा करके हमें धागा डालना है। तो इस तरह से ये हमने ले लिया थोड़ा सा बड़ा धागा। अब ये जो साइड साइड के हैं ना, इनके अंदर से डालेंगे हमें सूख, ठीक है। तो इस तरह से डाला एक तरफ, फिर ऊपर से ही मोड़कर हम दूसरी तरफ डालेंगे। ये देखिए थोड़ा लंबा छोड़ दें इसे। अब इस तरफ से हम दूसरी तरफ से निकाल लेंगे दूसरी तरफ को। अभी दोनों धागों को हमें खींच लेना है ऐसे। ये देखिए बन गया, बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब एक से दो बार हमें इसे लपेटना है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। ये देखिए इस तरह से, और फिर पक्का कर देना है बस। यहाँ पर हमें सुई को डालकर दो बार पक्का कर देंगे और धागे को हम बराबर से कट कर देंगे। ये देखें फ्लावर बन गया है। काफ़ी आसान है इसे बनाना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको